वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी मलाई वाली भरमा बैगन। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बनाने जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, चलो बन ही जाते हैं। ये मैं आपको बैगन के बीज की बातें बता रही हूँ। ये बैगन ले लिए थे हमने, और ये हमने प्याज ले ली है दो कटी हुई, और ये हमने मिर्च ले लिया है एक कटी हुई बारीक, और ये दो टमाटर ले लिए हैं पिसे हुए, और ये लाल मिर्च ले ली है एक चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है एक चम्मच, दो चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, और ये एक चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, और एक चम्मच जीरा ले लिया है हमने, और इसमें सौंफ और धनिया पाउडर बहुत डलता है क्योंकि इसका नाम ही भरमा बैगन है तो डलेगा ही। ये हमने दो चम्मच तेल डाल दिया है गैस ऑन करके कढ़ाई में, और ये प्याज डाल दी है, और ये हमने जो भी सामान देखा था आपने भुजने वाला, पहले हम प्याज डालेंगे। टमाटर भी डाल सकते हैं संग में, लेकिन जो प्याज है वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम प्याज डालेंगे। देखिए हमारी प्याज भुन चुकी है, तो अब इसमें हम जो डालते हैं भुजने के लिए से जीरा वगैरह वो डालेंगे। अब देखिए हम जीरा डाल दे रहे हैं, इसमें जीरा डाल दे रहे हैं, और ये हरी मिर्च है वो भी डाल दी हमने। इनको थोड़ी सी चलाने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये हमने इसलिए ही किया है क्योंकि प्याज पहले हमने इसलिए डाली थी, आपको बताया था मैंने कि प्याज ज़्यादा टाइम लेती है और ये कम टाइम लेती है। अब हम दोनों को मिक्स कर ले रहे हैं और अच्छे से पकने देते हैं इनको। पकने के बाद फिर देखते हैं। ये टमाटर थोड़े से पक चुके, तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल दें। देखिए थोड़ी सी डाल दी हमने पकने के बाद, आप इसको चला लें। टमाटर को अच्छे से पकने दे रहे हैं, तब तक हम अपने बैगन काट के तैयार कर लिए। देखिए पानी में मैंने लंबे लंबे देखिए शेप में काट लिए हैं, इतने आप देख सकते हैं इतने लंबे लंबे काट लिए हैं, और पानी में इसलिए रख दिया है क्योंकि वो काले ना हो जाए, और तभी तुरंत नहीं काटते जब हम डालें तभी तुरंत काटते हैं, पहले काट के रख देंगे हमारे काले हो जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं टमाटर हो चुके हैं बिल्कुल, देखिए कितना तेल छूट रहा है इसमें, और यही पहचान होती है हमारे टमाटर की होने की। तो अब हम इसमें बैगन डाल देते हैं सारे जो भी मैंने आपको दिखाए थे कटे हुए, पानी से निचोड़ के सारे, पानी से धोने के बाद हमने इसमें सारे बैगन डाल दिए हैं। अब अच्छे से इनको चला देते हैं, और मैं अब इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। इसमें मैं इसमें दो चम्मच नमक डालूंगी, आपको जितना खाना है इससे स्वाद अनुसार आपके घर में खाते हैं और आप कैसे खाते हैं वैसे डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुठले कुछ। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं जिससे अच्छे से पक जाएँ। 10 मिनट हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप, खोल के देखते हैं हमारे, देखिए बैगन हो चुके हैं। और आप अगर आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है हो चुके हैं, तो आप अपने थोड़े से उंगली से दबा के देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं ये हो चुके हैं बैगन, बहुत अच्छे से हो चुके हैं, आप भी देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं हो। और इसमें एंड में ही तीन मसाले डलते हैं, ये देखिए सौंफ मैंने दो चम्मच ली थी, इसमें सौंफ बहुत डलती है, अच्छे से डलती है मतलब, और धनिया पाउडर भी अच्छे से डलता है, और लाल मिर्च भी इसमें लास्ट में ही डलती है। तो जो तीन मसाले होते हैं वो लास्ट में डलते हैं, धनिया पाउडर और सौंफ और मिर्च। आप भी ऐसे बनाइएगा तभी आपके अच्छे बनेंगे। चलो इसको अच्छे से मिक्स कर देते थे। जो हमारी डिश का नाम था मलाई वाली भरमा बैगन, वो देखिए हमने ले लिए एक चम्मच मलाई, और इसमें अब हम मसाला दाल मसाला ऐड करने जा रहे हैं। यही हमारी रेसिपी का वो मेन है कि, और चाट मसाला भी हमने देखिए एक चम्मच ऐड कर दिया है। तो अब इसको बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे, बहुत अच्छे से फेंटेंगे हम इसमें, बहुत अच्छे से फेंटेंगे, अभी फेंटिएगा। और इसको अब हम कढ़ाई में डाल देंगे फेंटने के बाद, अच्छे से फेंटने के बाद आप भी फेंटिएगा ऐसे अच्छे से, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे।
चलो हमें लग रहा है कि हो चुके, तो हमने गैस ऑफ कर दी है और देखिए आप भी देख सकते हैं हो गए हैं बिल्कुल। अब हमारे जो मलाई वाली भरमा बैगन तैयार है सर्व करने के लिए। आप भी खाइए, सबको खिलाइए और बताइए कैसे बनाए हमें, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।